अस्सलाम वालेकुम। और आज इस उर्दू रिव्यू में खुश आमदीद। ये वीडियो मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों ने बहुत इसरार किया है कि आप उर्दू में वीडियो किया करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगी और मेरी दूसरी वीडियोस की तरह ये भी आप लोग खुशी से और शौक़ से देखेंगे। चलें फिर आप रिव्यू शुरू करते हैं। गाड़ी के अंदर से जो हम पहले आगाज़ करेंगे वो इसकी ये स्पीड डायल्स और जो तेल की वगैरह सुई है, इनसे एक चीज़ मेन चीज़ ये है कि बहुत बड़ी है, नाइस एंड क्लियर आपको आसानी से समझ आ जाती है गाड़ी की स्पीड पे तेल आपका कितना है और उसका क्या लॉस है। उधर से हम वापस आते हैं तो ये अब आपको उसका स्टेयरिंग व्हील नज़र आ रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका लेदर स्टेयरिंग व्हील है और बहुत अच्छा है, काफ़ी छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं है और बहुत नाइस है। इस तरह आप इस तरफ आएंगे तो ये इस गाड़ी में ये स्क्रीन भी लगी हुई है, स्क्रीन में ब्लूटूथ है, अगर आप मेमोरी कार्ड डालेंगे नेविगेशन भी है और इस तरह की चीज़ें, रेडियो भी इसमें है। नीचे आएंगे तो आगे आपके क्लाइमेट जो पंखे वाले जो वेंट वो हैं, और इनको कंट्रोल यहाँ से किया जाता है, मतलब ये पंखा स्पीड का बटन है, ये किस तरफ हमने हवा लानी है उसका है, ये ठंडा करना है गर्म करना है, ये एसी ऑन और इस तरह, और ये बटन बहुत अच्छे हैं और काफ़ी बड़े हैं, इजीली आपको पता चलता है और पता चल जाता है जब आपने प्रेस किए होते हैं। नीचे आएंगे तो आगे ये फिर उस स्क्रीन का कंट्रोल है, ये उसका ऑन ऑफ बटन है, ये उसमें डिफरेंट मेमोरी फंक्शन है, 6 मेमोरी फंक्शन, ये उनके बटन है, ये उसका जो है स्टेशन चेंज रेडियो का, इसी में ही इस तरह करेंगे तो आवाज़ चेंज है, और ये रेडियो और सीडी का ये है। नीचे आएंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी बटन दबा के स्टार्ट होती है चाबी घुमाने से नहीं, और साथ ही आपका ये चारों इशारों वाले बटन इसे दबाएंगे तो ये इस तरह, और ये आपका गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने वाला बटन है। नीचे आप आएंगे तो आगे फिर आपका ये गियर सेलेक्टर है, ये इस तरह से ऐसे दबा के तो आप पीछे करते हैं तो नीचे फिर रिवर्स ड्राइव, और ये आप गाड़ी मैनुअल में भी लेके जा सकते हैं, आप गियर हुड भी चेंज कर सकते हैं। उससे नीचे आएंगे तो आगे हैंड ब्रेक है और बस फिर अगला हिस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, एक और चीज़ जो इस गाड़ी की बहुत अच्छी है वो है इसके स्पीकर, और उसके लिए मैंने एक अलग छोटा सा एक क्लिप बनाया था, अब आप उसको देखिए। हाँ जी, जैसा आपने अब खुद देखा है स्पीकर इसके वाकई अच्छे हैं, स्पेशली इतनी छोटी गाड़ी के हिसाब से। अब हम वापस अपनी रिव्यू की तरफ चलते हैं। अब हम क्लियो की पिछली सीट पर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जगह मतलब नहीं है, मेरी टांगें मतलब अगली सीट के साथ लग रही हैं और ऊपर से मेरा सर भी छत के साथ लग रहा है। अगर सीट की ड्राइविंग सीट की पोजिशन मेरे जहाँ मैं रखता हूँ वहाँ पर हो तो फिर पीछे बस मुश्किलों से बच्चे की जगह बनती है, और ये जैसे आप देख सकते हैं कार सीट भी इस गाड़ी में पड़ी है। और जैसे कि फीचर्स की बात है, इस सीट के अंदर ऐसे ये पॉकेट्स हैं जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं, और दरवाज़ों में छोटी सी जगह है जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, और बाकी बस पीछे का ये है कि ज़्यादा जगह नहीं है लेकिन गुजारे के लायक बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है गाड़ी का इंजन एरिया है, और ये एक 1600 cc 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, और इसमें 130 हॉर्स पावर है, और बस पेट्रोल काफ़ी खाता है लेकिन
इसका जो स्पीड है और स्पीड में स्टेबिलिटी है और वो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा शोर नहीं करता अगर आप रेस वगैरह देंगे। नाज़रीन, अब हम क्लियो के चलाने वाले सेक्शन पर आ गए हैं और जो पहली चीज़ आपको महसूस होती है ये है कि जो इसका स्टेयरिंग है वो बहुत हल्का है, मतलब आप जहाँ भी इसे मोड़ते हैं वहाँ फौरी मुड़ जाती है और ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता। और इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि स्टेयरिंग इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हल्का है, ये मतलब भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको नज़र बहुत अच्छी तरह आता है इर्द गिर्द, मतलब आपके जो शीशे हैं वो बहुत बड़े हैं, पिछला शीशा भी आपको नज़र आ रहा होगा बहुत क्लियर नज़र है, आगे भी इसी तरह ये बड़े शीशे हैं साइड। जब आप गाड़ी चला रहे हैं जो दूसरी चीज़ आपको फील होती है वो ये कि ये गाड़ी बहुत अच्छी तरह पिक पकड़ती है और पकड़ती चली जाती है, कभी इसकी पिक पकड़ना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जैसे कि पहले कहा था ये 1600 cc इंजन है। और लेकिन ये है कि अगर गाड़ी रुकी है और आपने जैसे जंक्शन पर चढ़ना है तो फिर आपको ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा ही अगर आप इसकी रेस दबाते हैं तो गाड़ी पिक नहीं पकड़ती, बहुत आराम आराम से गास लेती है। और इस तरह आपको ये साफ रखना पड़ता है कि मतलब जंक्शन में इतनी जगह हो आपके जो है उन्हें कि गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ ले। लेकिन यह है कि ये गाड़ी आरामदेह है चलाने में और ज़्यादातर जगहों पर पिक भी अच्छी पकड़ लेती है, तो इसलिए इसे मतलब चलने के लिहाज से मैं एक अच्छा स्कोर देता हूँ। तो नाज़रीन, ये आज का रिव्यू है तुम्हारा। तो इस गाड़ी को मैं 5 star out of 10 देता हूँ, इसलिए कि ये आरामदेह गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, अपने हिसाब की खुली भी है, अपने हिसाब की इसमें अच्छी फीचर्स भी हैं, जैसे अच्छे स्पीकर हैं, इसका इंजन भी अच्छा है, इसका गेयरबॉक्स चले ठीक है, इसके शॉक भी अच्छे हैं। और लेकिन यह है कि ये उस तरह ज़्यादा खुली भी नहीं है, इसका कैंड इंजन कभी कैंड रेस नहीं पकड़ता और इस लिहाज से कुछ पॉइंट्स खोती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का, आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और हम अब अगली दफ़ा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।